हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सारे? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके का फ्री फायर गेमिंग बैनर कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फोन की मदद से। तो हे गाइस, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल गाइडिंग कैफ। दोस्तों, आज की वीडियो में ज्यादा मैं एडिटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, ना मैं आपको अपना फेस कैम दिखाऊंगा, बस आज की वीडियो में मैं आपको मेन टॉपिक दिखाने वाला हूं। तो इस तरीके का फ्री फायर गेमिंग बैनर आप कैसे बना सकते हो एकदम सिंपल ट्रिक्स, मतलब सिंपल एक क्लिक में इस तरीके का प्रोफेशनल गेमिंग बैनर कैसे बना सकते हो। तो पिछली वीडियो का ये लोगो का बैनर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो थी जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी। ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि इसी लोगो का मैं बैनर आज मैं आपको बना के सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को अगर वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में जाके भूल जाते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, वरना मैं लास्ट में आपको दोबारा याद दिला दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं आपको जेड अचीवर एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। आपको एक फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जिसका नाम मैं .plp इस तरीके से एक फाइल होगी, चैनल बैनर बाय GK इस तरीके से फाइल होगी। और ये फाइल ओपन होगी पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में। जैसे कि मैंने आपको सारी वीडियोज़ में दिखाता हूँ कि लोगो, बैनर, थंबनेल, मैं सारी चीज़ें पिक्सेल लैब से बनाता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिक्सेल लैब में ये बैनर, चैनल बैनर कैसे बना सकते हो। तो आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। इस फाइल को आपको अच्छे से डाउनलोड कर लेना है, फिर डाउनलोड हो जाए। ये डाउनलोड फोल्डर में हमारी फाइल आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिक्सेल लैब में आपको इसे ऐड कैसे करना है। दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ पिक्सेल लैब में ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आपको अच्छे से दिखे। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और .plp पे क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला फोल्डर ढूंढ लेना है। फिर उसके बाद ये देखो फाइल आ चुकी है। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरीके से हमारा आ चुका है। अब इसे हमें एडिट कैसे करना है, तो सबसे पहले ये कैफनेटिक वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से चेंज करके जो भी अपना नाम लिखना है, जैसे कि मान लो आपके चैनल का नाम है योर गेमिंग, जैसे योर नेम गेमिंग, गेमिंग को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर गेमिंग टेक्स्ट को भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, योर नेम गेमर FF, जो भी आप यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। और बाकी देख लेना आपका टेक्स्ट इस वाली लाइन के ऊपर ना जाए, इधर कर लेना थोड़ा। अगर इस वाली लाइन के इधर जाएगा आपका टेक्स्ट, तो फिर मोबाइल में अगर आपको कोई चैनल बैनर दिखेगा तो उसका पूरा नाम नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने ये लाइन बता रखी है। और जब आपको पूरा सेव हो जाए तो उसके बाद ये वाला इसको डिलीट कर देना, ये जो ऊपर फाइल, जैसे ये जो फाइल नहीं है, मतलब ये जो पूरा बॉर्डर है इसे आपको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर जाके सेव एज इमेज, और आप इसे सेव कर देना सेव टू गैलरी। बस आपका इस तरीके से सेव हो जाएगा। अगर आपका इस तरीके से प्रोजेक्ट ओपन ना हो, जैसे कि इस तरीके से अगर आपका प्रोजेक्ट ओपन ना हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका जैसे मैंने सिंपल तरीके से बताया कि यहाँ पर जाके कुछ ऐसे ऐड कर लो, अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसे ऐड ना हो, आपकी फाइल ना आए, तो आपको दोबारा से जेड अचीवर एप्लीकेशन में जाना है। आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जेड अचीवर। यहाँ पर मैं आपको प्ले स्टोर पर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं आपको दो तरीके बता मैंने कहा था, क्योंकि पहले तरीका अगर काम ना करे, कुछ फ़ोन में काम नहीं करता, तो जेड अचीवर एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। जैसे ओपन कर लिया है, अब मैं आपको दिखा दूँ क्या करना है। फिर डाउनलोड फोल्डर में हमने बना रखा है, तो डाउनलोड फोल्डर पर जाते जल्दी से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, क्रिएट न्यू फोल्डर। तो क्रिएट न्यू फोल्डर पर जाएंगे और यहाँ पर आपको लिख लेना है, कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मतलब फोल्डर का एक फाइल नेम बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे चैनल बैनर। तो चैनल बैनर लिख लेते हैं, फाइल बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये जो है इसे आपको कट करके इसके अंदर डालना पड़ेगा, और फिर आपको उस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना, और ये जो फाइल है इसे आप कट करके दोबारा बाहर ले आके आ जाओ। और ये जो चैनल बैनर है इसे आपको कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पिक्सेल लैब, आपको इंटरनल स्टोरेज में मिल जाएगा आपको पिक्सेल लैब फोल्डर प्रीसेट्स, और इसमें आपको सेव कर देना है, कॉपी कर देना। तो इस तरीके से आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी चैनल बैनर वाली। तो आपको क्या करना, फिर इसी तरीके से आपका जो, अब मैं आपको प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखना हमारा पिक्सेल लैब में प्रोजेक्ट ऐड हो चुका होगा। मैंने दोनों तरीके बता दिए। अगर पहले तरीके से आपका प्रोजेक्ट ओपन ना हुए, देखो जिस नाम से हमने बनाई थी उसी नाम से आ गई। देखो अरे यार, देखो चैनल बैनर के नाम से हमने फोल्डर बनाया था, चैनल बैनर के नाम से आ गई फाइल। अब यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट करके सेव करके आपका जो है पूरा काम हो जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे जाके यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे हो जा सब्सक्राइब, ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ। हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे गेमिंग चैनल की लिंक मिलेगी, गेमिंग चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।